आने वाले 31 जुलाई संडे के दिन दोपहर ठीक 2:30 बजे नेशनल कॉलेज ग्राउंड में हफ्त गुम्मत, जहां पर SDPI की तरफ से ग्रैंड पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस रखा गया है, अवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि आज के जो भारत देश के जो हालात है और जो कर्नाटका रियासत के जो हालात है, जो यहाँ पर जो बसवराज बम्बई जी की जो सरकार है, ये सरकार जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, दूसरी ओर गरीब किसान अपनी हत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, तीसरी ओर जो बिछड़े हुए तबकात हैं एक एक रोटी को तरस रहे हैं, 4.5 करोड़ से ज़्यादा कर्नाटका के लोग गरीबी रेखा से भी कम हो गए हैं, ये हालात पूरे स्टेट की और इंडिया की है। तो ऐसे हालात में हम देख सकते हैं कि सरकार को चाहिए गरीबी हटाने के लिए प्लानिंग करे, नए नए इकोनॉमिक प्लानिंग्स करे, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग के बजाय यहाँ पर लोगों के दरमियान में जाति और धर्म के बीच में लड़ाने का काम चल रहा है। हाल ही में जिस तरीके से BJP सरकार लगातार यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट कर रही है, दलितों को, बिछड़े हुए तबकात को लगातार टारगेट करके उनके खिलाफ नए नए बिल्स लेकर आके यहाँ पर प्रॉब्लम्स कर रही है, दूसरी ओर सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इश्यूज़ के ऊपर बात करने के बजाय खामोशी इख्तियार करके ये तमाम तमाशा देख रहे हैं। लेकिन SDPI लगातार अवाम के मसाइल को लेकर, पब्लिक के इश्यूज़ को लेकर एहतजाजी सियासत में और साथ ही साथ इंतखाबी सियासत में लगातार काम करते आ रही है। तो इसी के ज़मन में पूरे कर्नाटका में SDPI के जानिब से ऐसे ग्रैंड कॉन्फ्रेंस रखे गए हैं। तो गुलबर्गा में भी ये बड़ा कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, जिसके अंदर स्टेट और नेशनल के बड़े बड़े लीडर्स आने वाले हैं तो और इंटेलेक्चुअल्स आने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, इस कॉन्फ्रेंस में आकर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। आने वाला संडे 2:30 बजे नेशनल कॉलेज ग्राउंड, हफ्त गुम्मत, गुलबर्गा।